जब भी आपको हैंडशेक करना है ड्रिंक लेफ्ट में लीजिए और राइट हैंड से उसको शेक करें। कभी कभी हमारे हाथ में ये चीज होती है तो हम लोग लेफ्ट हैंड से उसको हाथ मिला देते हैं। अब सबको ध्यान आ रहा होगा कि हमारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक कहाँ होती है, हमेशा राइट हैंड में ही होगी क्योंकि हम लोग राइट ही है, तो हम लोग ज्यादातर राइट में यूज करेंगे। लेफ्ट में कब यूज करेंगे कि जब हम लोग डिश वगैरह सब कुछ हाथ में लेके खड़े हैं, तब हमारा राइट हैंड होता है इसीलिए। लेकिन हमें जब भी किसी को हाथ मिलाना है तब कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट में लीजिए और राइट से मिलाइए ताकि वो वेट और कोल्ड फील ना करे। नहीं, सामने वाला सीनियर है और वो हाथ छोड़े नहीं तो अपने को पकड़ के रखना पड़े। कई होते हैं कि भाई चलो तो अपने को उनको बहुत सालों बाद मिलते हैं तो होता है। नहीं, सालों नहीं, मतलब उनकी आदत होती है। अपने में एटिकेट से पर सामने वाले में नहीं होता है। गंदे हाथ से तो उससे मिला नहीं सकते क्योंकि सामने वाला शेकिंग कर रहा है। मिस हेलो मिस माय हैड आर टचिंग, तो उसमें एटिकेट नहीं है। मेरे हाथ थोड़े से गंदे हैं, उसको फिर हम लोग ऐसा कर रहे थे, ये हाथ मिला, ये हाथ नहीं मिला, हम लोग ये मिला रहे थे। झेलने की एटिकेट है पर उसको भी पता है वो सामने से तो हैंडशेक नहीं करेगा। जब आपके हाथ में खाली और आप खा रहे हैं गंदे हाथ है और मेरे भी हाथ गंदे हो रहे हैं, उसको तो समोसा चाहिए होगा। लेकिन अगर बाई चांस वो हाथ आगे कर दे जाए तो प्लीज, मतलब मेरे हाथ अच्छे नहीं है, आई एम ईटिंग फूड, हेलो, उसको अवॉइड करें ताकि ना तो आप उसको गंदा करें और ना आपको फील करे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द पर्सन ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस और अथॉरिटी फर्स्ट, व्हिच इज चांसलर ऑब्लिगर, आई वुड लाइक टू मीट यू टू मीट माई मदर फेयर वेल, जेंडर और एज इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, व्हेन अ क्लाइंट इज इन्वॉल्व मेंशन हिम और हर फर्स्ट। जब भी आपके क्लाइंट हैं उनको पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। अ प्रॉपर बिजनेस इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स, जो भी प्रोफेशन वो फर्स्ट आता है और लास्ट नेम, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर शर्मा, प्रोफेसर शर्मा, अगर उनका कुछ है तो, नहीं तो मिस्टर शर्मा, इस तरह से हमें बुलाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस और अथॉरिटी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्यूबिकल कजेसिस, अवॉइड लाउड फोन कन्वर्सेशंस एस्पेशली ऑफ अ पर्सनल नेचर, जब हम पर्सनली किसी से बात करें तो बहुत लाउड न बात करें। डू नॉट वियर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और कलम, बहुत तेज बहुत हार्ड परफ्यूम न डाल के किसी का सिर चढ़ जाए। डू नॉट ईट स्मेली फूड लाइक फिश, हम बोले तो हमारे मुंह से बदबू आए और सामने वाले को फील हो वो आपसे बात करना भी न चाहे। ओनियन गार्लिक में भी होता है होता है तो उसको अवॉइड करें। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समवन्स क्यूबिकल एंड कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन, किसी के सामने खड़े होके किसी और का कन्वर्सेशन न करें। डू नॉट वॉक इन टू अ क्यूबिकल व्हेन समवन इज ऑन द फोन, लीव देम अ नोट और ईमेल इंस्टेंट। मेकिंग अ गुड इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, वी आर सेइंग अ लास्ट इंप्रेशन, इन दैट अपीयरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारा फॉर्मल बिजनेस है, men should wear a suit and a tie, jacket can be removed in the summer, गर्मियों में हम लोग कोट रिमूव कर सकते हैं। women conservative dresses or pantsuits, casual business men short sleeve shirt and long pants, short only when exercising, casual में 3-4 दिन चड्डा पहन के न जाया जाए, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ है तब हम लोग जा सकते हैं। women must keep upper arms, chest, back and legs covered at all the times, most important है। use of leather products may be offensive, must keep upper arms means इसके हाँ इतना cover करना चाहिए up till arms, हाँ यहाँ तक कुछ पहनते हैं, सही बात है, यहाँ तो हाँ तो उससे अच्छा नहीं लगता है, किसी ना किसी की नजर बिगड़ती है, हम किसी को रोक नहीं सकते किसके मन में क्या चल रहा है कब, और कुछ भी ऑफेंसिव हो सकता है, उसको
वो आपको देख रहा है, इनको देख रहा है, और आपको फील फील हो जाएगा कि वो क्या देख रहा है। आपका इमीडिएटली माइंड उसको सिचुएशंस को अवॉइड कर दीजिए, वो सिचुएशन से ना कह रही हो। सर एक दूसरा पॉइंट इसमें ये है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग एवरीबॉडीज अटेंशन टू दिस, आपका जितना बॉडी एक्सपोज होगा ना सामने वाले का ध्यान उसके ऊपर ज्यादा जाएगा। जब आप हाफ स्लीव पहने होंगे ना तो आपके हाथ को देखेगा, आपने अगर हाफ स्लीव नहीं पहना ना तो आपका चेहरा ही देखेगा। आप अगर मेल टू मेल बातचीत हो रही है फिर भी अगर आपने हाफ स्लीव पहना है ना तो सामने वाला आपके हाथ को देखेगा, आपके फेस पर से अटेंशन हटता है। इसीलिए फॉर्मल्स में लॉन्ग स्लीव बोला जाता है कि जितना बॉडी कम एक्सपोज होगा ना उतना बंदे का अटेंशन आपके फेस पर जाता है। हाई कांटेक्ट होना जरूरी, हाई कांटेक्ट होना चाहिए। कनेक्शन विद अदर्स, लर्न एवरीवन्स नेम क्विकली एंड यूज देम। किसी से भी कनेक्ट होना है तो उनका नाम याद कर लीजिए और फिर उनसे बात कीजिए, आपका नाम क्या है, ऐसे करके मैं पूछूंगा तो उनको भी खराब लगेगा, अरे इनका नाम क्या है। हम लोग पूछते हैं हमको याद नहीं, लेकिन हम लोग अगर उनसे पहले ही पूछ लेते हैं, पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं किसका नाम क्या है, तो वो पोजिशन नहीं आएगी और हम लोग उनको नेम से बुलाएंगे ताकि वो सरप्राइज होंगे। एक्सेप्ट एंड इनिशिएट लंच इनविटेशंस, मतलब हमें किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए, अगर कोई हमें इनवाइट करता है तो उसे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, थैंक यू आई विल बी ऑब्लिज्ड टू बी देयर। रिकॉग्नाइज अदर्स अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब किसी ने कुछ भी हासिल किया है, कुछ भी अच्छा हासिल किया है तो उसको याद रखें, हमेशा दूसरों को बताएं कि भाई ये इस तरह से है, ये व्यक्तित्व है, इन्होंने ये चीजें हासिल की है। कीप अप फील्ड कैन यू जार ऑन योर डेस्क, चॉकलेट भरा हुआ एक जार हमेशा अपने डेस्क पे रखें, कैंडी ऑरेंज मैंगो एनी टाइप ऑफ कैंडी आप लोग रखते हैं, जब एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहां पे बाउल में चॉकलेट रखते हैं ताकि कोई भी आ जाए तो उसको खाता है। इसी तरह से आपके डेस्क पे भी एक रखें ताकि कोई भी आए तो उसे ऑफर करें। कीप नाइस नोट कार्ड्स एंड और अ वैरायटी ऑफ कार्ड्स, सिंपैथी गेट वेल न्यू बेबी एंड यूज देम, अपने टेबल्स पे कार्ड्स भी रखें जिससे आने वाला कोई भी हो उसके ऊपर एक इंप्रेशन होगी कि वो क्या देख रहा है। गेट वेल सून, मतलब उसके माइंड में अगर कुछ और भी विचार चल रहे होंगे तो उसको पढ़ के वो सारे विचार उसके गायब हो जाएंगे। फाइंड योर ओन स्टाइल, फिगर आउट व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ एंड डू इट। आप किस चीज में कंफर्टेबल हो वही कीजिए, दूसरों को देख के उनकी चीजों को मत कीजिए। अमिताभ बच्चन ये करते हैं तो वो अमिताभ बच्चन है और आप हैं। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, हर एक के अंदर हर एक चीज है। अमिताभ बच्चन को अपनी पोजीशन मिल गई, उनको एक चांस मिल गया और वो इस पोजीशन पे पहुंच गए इनिशियल लेवल पे। हर एक को चांस मिलता है, हर एक की लाइफ के अंदर हम हर एक के जैसा नहीं बनना चाहते, हम खुद की एक पर्सनैलिटी बनाए और हम खुद अलग करना चाहें तो हमारी एक अलग पहचान लोगों में बनेगी और लोग हमें वाहवाही ही करेंगे। डोंट ट्राई टू बी समवन यू आर नॉट, ऐसा मत बनना चाहें फिर जो आप बन ही नहीं सकते किसी की तरह। डोंट डिस्काउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच गेस्चर्स जस्ट बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल, फाइंड योर ओन स्टाइल एंड बी ऑथेंटिकेट। Eating out receptions, it is not about the food, it is not about the beverages. इस तरह से होना चाहिए हमारे डेस्क पे रेस्टोरेंट्स में। Know how to use a standard table setting. Start with utensils on the outside and walk your way in. Right में glass है, left में fork है। होटल में भी इसी तरह से रखा होगा, लेकिन हम लोग इधर उधर का कर देते हैं। पूछना पड़ता है तेरा किस राय तेरा कौन सा है, ये ऐसा हो जाता है तो उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं फेस होगी। वन नंबर पे शेरी ग्लास, एक चम्मच होता है दूसरे के लिए, वाइट वाइन ग्लास, रेड वाइन ग्लास, वाटर प्रॉब्लम, ये दूसरे के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन सी गुड फोर सुपर स्पून प्रीमियम नाइफ प्रीमियम लॉक सलाद पॉक डेसर्ट पॉक एंड स्पून बटर प्लेट,
ये स्टैंडर्ड है। रेस्टोरेंट में हम कभी भी जाते हैं तो इतना याद रखें, डोंट ऑर्डर एन एक्सपेंसिव एंट्री। हमें किसी ने इनवाइट किया है और हम लोग जाने पहचाने बिना ही ऐसी चीज ऑर्डर कर देंगे कि उसको फील हो जाएगा। जब भी हम कहीं कभी भी बैठेंगे दो चार लोग तो उसमें ऐसा होता ही, अगर हमने ऑर्डर बुक ले ली तो जो खिलाने वाला होता है, हॉस्ट होता है, उसके मन में चल रहा होता है ये सारा, कितना बजट ले जाएगा, कितना खर्चा करवा देगा, कितनी महंगी महंगी चीज, एक चीज का नाम ले लिया बड़ी सी महंगी सी, उसका तो मन वही बिगड़ जाएगा कि ये तो इतनी महंगी एक चीज ले ली, अभी दूसरी चीज लेगा। तो जब तक हो सके अच्छी चीजें लीजिए, लेकिन बहुत महंगी मत लीजिए। अगर कोई आपको इन्वाइट करता है तो आप, अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो आपको जितनी महंगी चीज लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो डोंट ऑर्डर एनीथिंग क्रंची और मैसी और दैट यू ईट हैव टू ईट विद योर फिंगर्स। ऐसी कुछ चीज ना ले, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की बात है, घर में तो मद्रास में जाएंगे तो वहां तो सब ऐसे चलता है साउथ में। लेकिन आप इग्नोर करें कि ऐसी चीजें जो हाथ से आप खाए, ऐसी चीज लीजिए जो स्पून से और फॉक से आप खा सके। डोंट पुल योर एल्बोस ऑन द टेबल, टेबल पे पूरे एल्बोस मत रखिए, बट यू मे रेस्ट योर हैंड्स देयर। हाथ ऐसे रखिए लेकिन पूरा ऐसे करके मत बैठिए, लाइक दिस पोस्चर आपके हैंड्स रखिए, एल्बोस को मत रखिए, एल्बोस थोड़ा सा दूर रखिए। Don't start eating until your host or hostess is done or until everyone has been served. खाना तब तक मत शुरू कीजिए जब तक आपके host या hostesses शुरू ना कर दे या कि सबको सर्व हो जाए। Cut meat one piece at a time. Anything, any food, cut one piece at a time. मंचूरियन है, एक दो तीन करके पूरा एक साथ ही खा गए। कुछ भी पनीर है, मतलब वो सर्व करने के लिए आया, स्टार्टर सर्व करने, आजकल वो पहले स्टार्टर नहीं रहा, वो सर्व करते हैं तो एक लिया, दो लिया, तीन लिया और सारा एक साथ ही खा लिया। अभी जा नहीं आ रहा दोबारा आए रहा है, दोबारा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, इसके लिए एक ही बारी में सारा खाना है, एक चीज एक ही बारी में। अब ले जाने वालों को डरने वाले पर है क्यों ऐसा होता है। और योर प्लेट व्हेन स्पीकिंग, आपके हाथों में जो चीजें हैं वो रख दीजिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको लेके ऐसे ऐसे खाते खाते उसको बात कर रहे हैं ताकि ये चीज उधर जाएगी और वो चीज इधर आएगी, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। डोंट ब्रिंग योर फेस डाउन टू द प्लेट, ऐसे मत खाइए, नीचे होके मत खाइए, ब्रिंग यूटेंसिल अप टू यू, स्पून और वो सब अपने तक लाइए, हम उस तक न जाएं। डोंट हेल्प योरसेल्फ टू एन आइटम यू हैव बीन आस्क्ड टू पास अंटिल द पर्सन हु रिक्वेस्टेड इट हैज सर्व्ड हिम और हिमसेल्फ। किसी को कुछ भी पास मत कीजिए जब तक वो न चाहे, नहीं तो हमारे थाली में एक लड्डू ज्यादा है लड्डू खा ले, पूरी दो चार ज्यादा है उसको दे दीजिए, होता ही है कुछ ज्यादा है, लेकिन जब तक वो ना चाहे तब तक उसको फोर्स मत कीजिए कि आप ले लो, आप भी छोड़ोगे वो भी छोड़ेगा, लेकिन बोलेगा सब कुछ मेरे को ही देता है। कई बार लोगों को झूठा पसंद नहीं होता है, स्किप लोग से मुझे दिया। पेस योरसेल्फ सो दैट यू फिनिश अबाउट द सेम टाइम एज एवरीवन एल्स, मतलब इस तरह से खाना खाइए कि सब लोगों की जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड उसी तरह से खाइए, ऐसा ना हो कि सब लोगों ने खा लिया और आप अकेले बचे और खाते रहो खाते रहो खाते रहो और आधे घंटे तक आप खाते रहोगे और तब तक सब बैठे रहेंगे आपके लिए, इक्वली सब लोग फिनिश हो जाए ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। लिमिट और फॉरगो अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल जब भी ड्रिंक करते या तो थोड़ी लिमिट में कीजिए ताकि एक्सप्रेस ना हो सके, या तो मत ड्रिंक करिए जब बिजनेस मीटिंग में हो, बिजनेस मीटिंग के बाद पार्टी होती है कि भाई अब तो डील हो गई है अब पार्टी करते हैं तब खाइए पीजिए, लेकिन ड्यूरिंग अ बिजनेस डील डोंट डू, डोंट पुश
पुश योर डिशेस अवे टू अ सिग्नल यू हैव फिनिश्ड। खा लिया तो ऐसे मत कर दीजिए। व्हेन यू आर डन पुट योर यूटेंसिल्स इन अ फोर्थ पोजीशन, जैसे इन्होंने बताया उसको क्लोज कर दीजिए। व्हाट इज द फोर्थ पोजीशन? क्लोज कर दीजिए उसको, उसको उल्टा उल्टा। हां हां प्लेट को नहीं जो नहीं तो खाना जो बचा है वो अच्छा हो। आपने चम्मच क्या उठाया ना? समरी ऑल आउट, नॉलेज ऑफ सोशल स्किल्स डज नॉट गारंटी दैट ऑल डोर्स विल ओपन और गारंटी अचीवमेंट ऑफ पर्सनल एंड करियर गोल्स। सारी सोशल स्किल्स हम जानते हैं लेकिन उसकी ऐसी गारंटी नहीं है कि आप हर एक पर्सनल और कैरियर गोल्स अचीव कर सके। इट इज लाइकली दैट द डोर टू मेनी ऑफ दिस रूम्स विल लाइकली बी क्लोज फॉर हू लैक दिस स्किल्स। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन खुलना जरूरी नहीं है। दरवाजे बंद तो होते ही है। एटीट्यूड्स मेक्स द वर्क प्लेस मोर एंजॉयबल। जहां पे भी हम बैठे होते हैं, जहां पे भी हम खा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगर वहां पे सब कुछ बराबर से है तो सबको मजा आता है। और दैट वाज द लास्ट इफ एनी क्वेश्चन भी वी कैन डू कि किस तरह से मैनेज किया जाए। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ होता हो तो किस तरह से उसको क्लोज किया जाए। ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम फेस होती हो या कुछ भी जनरल क्वेश्चन भी। और एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा, कि जब भी आप किसी से डील करने जाएं तो उसके राइट आईज पे देखिए। उसकी राइट आई, आपकी राइट आईज पे मैं देखूंगा तो मैं आपको कन्वर्ट कर सकूंगा। मैं जो बोलूंगा वो आप कर सकेंगे। दिस इज द रूल ऑफ हिप्नोटिज्म। इनकी राइट आई मतलब इनकी लेफ्ट आई जिसको पूछना होती राइट कौन सी धीरे धीरे होगा। आप उसके सोल में जाके बेचने की कोशिश कीजिए। आपको वो अपने आप बताएगा मुझे क्या क्या चाहिए। बी एन आर्टिस्ट, बी एन साइंटिस्ट। ये साइंस है, ये आर्ट है, बेचने की कला है, ये आर्ट है, ये साइंस है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें बेचने के लिए हम लोग बेच रहे हैं। सही बात है कि भाई नहीं, हमें धंधा करना है और हमें सिर्फ पैसा कमाना है। एक आर्ट की तरह से उसको बेचे ताकि वो जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। किसी को भी कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन मेरे ऐसा था, नॉर्मली हमारे एम्प्लॉइज जो पार्टी से दर डील कर रहे हैं, दे आर अंडर सम ऑफ प्रेशर। मैं ये सब हो जाते कि एक बार एक्सेल करो पार्टी से तो कुछ बोल देते हैं। अब ये कहते हैं जब वो बात कर रहे हैं तो उनको इनके फील भी कर सकते कि उनको इतना दूसरे से बात मत करो। अल्टीमेटली क्या है, वो कस्टम बराबर है। फॉरेस्ट में तो ऐसा है कि हमको इंटरफेयर नहीं होना है, उनका जो भी प्रॉब्लम हो। तो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उनको? उनको मतलब बाद में बुला के फेस टू फेस, बाद में बुलाने के बाद इमीडिएटली उसको मत उस टाइम पे उसका दिमाग गर्म होगा या जो भी उसने बातें की होगी वो बहुत खराब पोजीशन पे जा सकती है। आपने उसको बोला तू अभी इतनी बात ना करिस, काइंड से, हम से, देन से, आप भी गर्म होगे और वो भी गर्म होगा और बात बिगड़ जाएगी। पांच सौ एम्प्लॉई और कस्टमर वो बहस में आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि फिर आप उसको समझाओ, आप समझाओ उसको, समझा दोगे कस्टमर को वो समझा देगा। हाँ ये गलती हो गया मेरा। इमीडिएटली कुछ मत करिए। इमीडिएटली अगर आप उसको स्टॉप कर देंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरी अहमियत तमेज करो, तमेज करो, तमेज करो, तमेज करो, समझाएगा। ये सबको पेश होता है तो जितना हो सके उतना बात में। गुड मैन, सो थैंक यू वेरी मच।
अच्छा आप आज का ये हॉल कैसा लगा? मतलब सेशन तो बढ़िया ही था डेफिनेटली, और जो हमने चेंज किया है प्रीमाइसेस चेंज किया है, व्हाट डू यू थिंक यहां पे कंटिन्यू करें हम लोग? कर सकते हैं। वॉशरूम कैसा है? वॉशरूम देखा नहीं है ना, ऐसे ही होगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, ऐसे ही होगा, वेस्ट नहीं है, ठीक है। चलेगा, इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप 3500 रुपया दिया है। सी इसमें मैं सारी कॉस्ट गिन रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है मुझे जो भी आ रहे गेस्ट उनको कुछ देना पड़ेगा, ये भी सीख है, और हम लोग क्वार्टरली इसका हिसाब डिक्लेयर भी करने वाले हैं कि इतना है इतना गया। सो ऐसा कहीं पे बैकअप तो मैं ऐसा नहीं होगा कि इतना पैसा लिया और बाकी को तो यहाँ पे इतना खर्चा नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन ये कि कई बार हम लोग गेस्ट को इन्वाइट करते हैं तो उसका भी पैसा हमको बैर करना पड़ता है, होगी जो नया बंदा आएगा उसे हम लोग 200 रुपए चार्ज कर सकते हैं के लिए, यही रहेगा नहीं बाजू में भी है। जैसा बढ़ेगा आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 25-30 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी स्ट्रेंथ अगली चीज है, स्ट्रेंथ अपनी उससे नहीं तो 25 वन हम्पल रिक्वेस्ट, जिसका भी क्वार्टरली मेंबरशिप नहीं है जो नहीं दिया है प्लीज पे कर दे। अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन मिले कर दे विकेश भाई, ये बदने में बीसीसीए में ड्यूटी का मतलब बना चाह ले बेटा, तो जो सोनम ने किलो को मैसेज पास ऑन कर दो बंदा आई क्यों पास हो गई, सॉरी नॉट बीसीसी बीटा बीटा है तो जीनियस में ये प्रोडक्शन है, वो लाइव डेमोंस्ट्रेशन बन गया है, तो बदन रिक्वेस्ट करी छे कि बता खास से 24-25 सही में आपके आभारी हैं, क्योंकि 26 को इनकी शादी है, छुट्टी पे जा रहा हूँ लेकिन स्पेशल हमारे टाइम निकाला तो जोड़ना पहले उनके लिए, तो अंकल के लिए हम खड़े हो जाएंगे। Yeah, yeah.